बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद अपने सरल स्वभाव, शांतिप्रियता और दयालुता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन आनंद के दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। उसके दिल में गहरी घृणा थी और यह घृणा उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। यह घृणा किसी और के प्रति नहीं, बल्कि उसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति सुदर्शन के प्रति थी। सुदर्शन भी गांव का ही एक निवासी था, लेकिन उसने कभी जानबूझकर आनंद के साथ कुछ ऐसा किया था जो आनंद के दिल को बहुत गहरा घाव दे गया था। वह दिन आनंद कभी नहीं भूल सका जब सुदर्शन ने उसे अपमानित किया था और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई थी। उस दिन के बाद से आनंद के दिल में सुदर्शन के प्रति घृणा भर गई थी, जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। इस घृणा ने आनंद के जीवन को बदल दिया था। वह पहले जितना शांत और सुखी था, अब उतना ही चिंतित और परेशान रहने लगा। हर दिन वह इस घृणा के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी और तनाव छाया रहता था। यह घृणा उसके जीवन में एक जहर की तरह फैल गई थी, जिसने उसकी सारी खुशियाँ छीन ली थी। गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग भी आनंद की इस स्थिति को देखकर चिंतित थे। वे जानते थे कि आनंद के मन में गहरी घृणा पल रही है, लेकिन वे उसकी मदद करने में असमर्थ थे। आनंद की घृणा इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह किसी की भी सलाह मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध वहां प्रवचन देने आ रहे हैं। यह खबर पूरे गांव में एक नई उमंग और उत्साह की लहर की तरह फैल गई। हर कोई बुद्ध के दर्शन और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उत्सुक था। आनंद ने भी यह खबर सुनी और उसके मन में भी बुद्ध से मिलने की इच्छा जागी। वह सोचने लगा कि शायद बुद्ध के प्रवचनों से उसे अपने जीवन की इस घृणा से छुटकारा मिल सके। उसने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध के प्रवचन सुनने जाएगा और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब भगवान बुद्ध गांव में पहुँचे। गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए और बुद्ध के स्वागत के लिए उत्साहित थे। बुद्ध का स्वागत फूलों की वर्षा और भक्तों के प्रेमपूर्ण अभिवादन के साथ किया गया। गांव का प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के दर्शन पाकर धन्य महसूस कर रहा था। बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपना प्रवचन आरंभ किया। उनकी मधुर और शांत आवाज ने सभी के दिलों को छू लिया। उन्होंने मानव जीवन के दुखों, चिंताओं और समस्याओं पर चर्चा की और यह भी बताया कि किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, मानव जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। जब हम अज्ञानता के अंधकार में होते हैं, तो हमें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। लेकिन जब हम ज्ञान के प्रकाश में आते हैं, तो हमें अपने जीवन का सही मार्ग दिखने लगता है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपनी घृणा का बोझ था। उसने सोचा कि शायद बुद्ध से इस घृणा का समाधान पूछना ही उचित होगा। प्रवचन के अंत में आनंद ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। आनंद ने कहा, भगवान, मेरे दिल में एक व्यक्ति के प्रति गहरी घृणा है। यह घृणा मुझे चैन से जीने नहीं देती। मैं इस घृणा से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरे मन से कभी नहीं जाती। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध ने आनंद को गहराई से देखा। उन्होंने उसके भीतर की पीड़ा को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। आनंद ने यह सुना और कुछ सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसे मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ? यह मेरे लिए बहुत कठिन है। बुद्ध ने आनंद की कठिनाई को समझते हुए कहा, आनंद, जब हम घृणा को घृणा से खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने ही मन और आत्मा को कष्ट देते हैं। घृणा एक ऐसा जहर है जो हमें ही अंदर से खा जाता है। लेकिन जब हम इस घृणा को प्रेम से बदलते हैं, तो हम अपने मन की शांति और सुख को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। वह अपने दुश्मनों से बहुत घृणा करता था और हमेशा उनसे बदला लेने की योजना बनाता था। उसके दिल में इतनी घृणा थी कि उसने कभी प्रेम का अनुभव ही नहीं किया था। लेकिन एक दिन
उसके राज्य में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा कि घृणा का अंत केवल प्रेम से ही संभव है। राजा ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लेकिन साधु के जाने के बाद राजा के मन में एक परिवर्तन हुआ। उसने सोचा कि क्यों न अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने राज्य में आमंत्रित किया जाए और उसे प्रेम से जीता जाए। राजा ने अपने दुश्मन को आमंत्रित किया और उसका स्वागत बहुत सम्मान और प्रेम से किया। दुश्मन ने राजा के इस व्यवहार से प्रभावित होकर अपने हथियार छोड़ दिए और राजा का मित्र बन गया। इस प्रकार राजा ने घृणा को प्रेम से जीत लिया। बुद्ध ने आनंद को समझाया, जब तुम घृणा को प्रेम से बदलने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो और अपने दुश्मन को भी बदलने का मौका देते हो। यह परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने दिल में प्रेम की भावना को जगाते हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह घृणा उसे ही नुकसान पहुंचा रही है और इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उसने संकल्प लिया कि वह अब सुदर्शन से घृणा नहीं करेगा और उसे क्षमा कर देगा। आनंद ने सुदर्शन से मिलने का निर्णय किया। उसने सुदर्शन के घर जाकर उसके साथ प्रेम पूर्वक बातें की। सुदर्शन ने भी आनंद के इस परिवर्तन को देखा और उसे समझ आया कि घृणा से कोई लाभ नहीं होता। धीरे धीरे सुदर्शन और आनंद के बीच की घृणा समाप्त हो गई और उनके दिल में प्रेम और मित्रता की भावना उत्पन्न हो गई। सुदर्शन ने आनंद से क्षमा मांगी और कहा, मैंने अज्ञानता में तुम्हारे साथ अन्याय किया था और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे इस प्रेम और क्षमा ने मुझे बदल दिया है। आनंद ने सुदर्शन को गले लगाते हुए कहा, हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन जब हम प्रेम से एक दूसरे को समझते और क्षमा करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आनंद ने अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान पा लिया। बुद्ध के शब्दों ने आनंद के जीवन को बदल दिया था। उसने सीखा कि घृणा का अंत केवल प्रेम से ही संभव है। उसने यह भी समझा कि प्रेम न केवल दूसरों को बदल सकता है बल्कि यह स्वयं को भी शांति और सुख प्रदान करता है। आनंद ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। उसने यह जान लिया कि घृणा का बोझ उठाने से केवल दुख ही मिलता है, जबकि प्रेम से शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। उसने अपने जीवन में प्रेम और क्षमा की भावना को अपनाया और दूसरों को भी यही सिखाने लगा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने आनंद के जीवन को एक नई दिशा दी और उसे समझा दिया कि प्रेम ही वह शक्ति है जो घृणा को समाप्त कर सकती है। यह एक प्राकृतिक सत्य है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में समझना और अपनाना चाहिए। आनंद ने इस सत्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और अपने जीवन में प्रेम, शांति और सुख की प्राप्ति की। गांव के लोग भी आनंद के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे उसे देखकर प्रेरित हुए और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। गांव के लोग भी आनंद के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे उसे देखकर प्रेरित हुए और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार पूरे गांव में प्रेम, करुणा और शांति का वातावरण बन गया और लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सच,